मैटर है। अच्छा 5 फुट अर्जित दस्तावेज है सर, फर्जी नामांतरण आवेदन पत्र, फर्जी शपथ पत्र, फर्जी अनापत्ति शपथ पत्र, फर्जी अतिपूर्ति लेख और नकली वसतनामा। उसके बाद क्यूज है, हाँ सर मैं कंप्लेन ना पिटीशन फ्यूज हूँ। आप खुद करेंगे बस हाँ सर मैं खुद सर। इसमें करूँ। 18-10-23 का एक ऑर्डर हुआ था हाँ कि इन्होंने गलत तरीके से वो लीगल एड की सहायता मांगी थी, उसमें से इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दिया था, वो रिपोर्ट मांगी थी डॉक्टर, हाँ वो रिपोर्ट आ चुकी है, वो देखिए रिपोर्ट आई देखना। सर, मुझे तो नॉन फाइनेंशियल रीजन से मेरे को लीगल एड मेरे को दिया गया था, क्योंकि मैं खुद एक पिटीशन पर्सन अपीयर हो रहा था। कोई फाइनेंशियल कॉज, फाइनेंशियल रीजन कुछ भी नहीं था वो। मैं तो हमेशा स्टार्ट मैं हमेशा से पिटीशन पर्सन ही अपीयर हो रहा था, पर पीसी गुप्ता सर को ऐसा लगा कि हाँ मैं पिटीशन पर्सन अपीयर हो करके ढंग से केस को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इस कारणवश मेरे को लीगल एड दिया। ठीक है, तो आप लीगल एड तो नहीं, आप प्राइवेट वकील एंगेज कर लीजिए। नहीं सर मेरे को सर सारे लिस्ट और डॉक्यूमेंट 250 से 300 पन्ने के मैंने खुद नहीं सब यहाँ पे लगाए हैं। उसमें 23 साइटेशन सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सब मैंने ही पढ़ के समझ के सब लगाए हैं सर। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा जानकारी थी। एडवोकेट ने साफ बोला जब सारे प्रिपरेशन तुमने ही करे तुम ही खड़े हो जाओ, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा सर।18-10-23 क्या होते हैं? ये इतना बड़ा मेल क्या किया आपने? क्या हाँ सर बहुत लंबा मेल है मेल क्या क्यों किया आपने? अक्सर, वो इसलिए कि सर सब बहुत सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा रही थी, जबकि लीगल प्रोविजंस थे उसके बाद भी सर। मैंने बहुत मतलब लंबा चौड़ा जुडिशियल करप्शन देखते आ रहा हूँ सर। मेरा मैटर ही ऐसा है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट का डबल लिंक मैटर है सर। सारी चीज़ें सर मेरे अगेंस्ट जा रही, जबकि मैंने FIR करके रखी है, सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद भी अब मैं पेटिशनर हूँ सर, सबसे ज़्यादा प्रभावित तो मैं खुद ही हो रहा हूँ। करोड़ों का मैटर है सर, और उसके बाद भी कुछ भी हमको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ना ट्रायल कोर्ट से ना सेशन कोर्ट से। और ये मैटर ऐसा है सर इसमें केवल बेल कैंसिलेशन और धारा बढ़ाने का मैटर है। उसके बाद भी 1.5 साल लग गए इसी इंदौर हाई कोर्ट में। FIR को 2 साल से ऊपर हो गए। मेरा आरोपी सीनियर सिटीजन है, कल से खत्म हो गया तो मेरा केस मेल कैसे किस खत्म होगा पर्पस के लिए दिया है आपने? सर? भी नॉट गोइंग फॉर के पर्पज के लिए दिया था, मैंने नॉट गोइंग फॉर लगाया था पर वो स्वीकार ही नहीं हुआ था। वो बाकी जितनी भी मैंने सर प्रोसीडिंग्स देखी सब मेरे अगेंस्ट जा रही थी, इवन वो कोर्ट के तो द्वारा ही हो रहा था सब कुछ व्हाई आई शुड नॉट हियर दिस मैटर, व्हाई आई शुड नॉट हियर? सर। आपने हमारे लिए लिखा ना कि हमें सुनना नहीं चाहिए, क्यों अब सर नॉट गोइंग फॉर के लिए लगाया था मैंने सर। अब क्यों? सर इसलिए क्योंकि 4 बार हम यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, आपकी ओर से रिस्पॉन्स आपके दिया। आपको हम कंटेम्प्ट नोटिस दे रहे हैं, ये आप बोल नहीं सकते, ये हमारे केसेस जज के सामने नहीं सुना जाए या उसके सामने नहीं सुना जाए, सर इसका वो कंटेम्प्ट। ये तो प्रावधान तो है नॉट गोइंग फॉर का, वो केस स्टेटस में दिखता भी है नॉट गोइंग फॉर बाय एडवोकेट जो भी हो, वो तो प्रावधान है वो तो। नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, और मैं वो तो सर जज आपके के पास गया भी था, आपके पास में आए भी सर नॉट गोइंग फॉर। मेरे को यही बताया गया था अगर कोई नॉट गोइंग फॉर का आपको मतलब ऑर्डर चाहिए तो जिस दिन आपकी केस की तारीख होती है तो हाँ। आप फिर आप जज साहब के सामने नॉट गोइंग फॉर का रिक्वेस्ट कर किसने सकते हैं सलाह ना दी आपको ये कि सही किसने सर। सलाह दी कि एक ऐसी मेल भेजना चाहिए कि हमारा केस इनके सामने नहीं लगाया जाए? और सर वो मैंने तो नॉट गोइंग फॉर का एप्लीकेशन किया था, उसके बाद फिर मेल के ऊपर आया मैं कहाँ है पहले एप्लीकेशन आपकी? वो आइए लड़ नंबर। अच्छा हाँ सर 26 अप्रैल की डेट में था सर वो। मैं तो प्रिंसिपल स्टाफ साहब से मिला भी था मैं तो। 26 अप्रैल, मैं सर मैं जबलपुर हाई कोर्ट भी गया था, वहाँ पे हेमंत जोशी सर जो प्रिंसिपल स्टाफ जुडिशियल है उनसे भी मेरी मुलाकात हुई पर्सनली सर। मैं सारे प्रोसेस को फॉलो किए, वो सारे के सारे जितनी भी गतिविधियाँ थी उसी को मैंने उल्लेख करा। अब उसके बाद भी आप ये अपना पेटिशनर एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो फिर देन आई विल हैव टू ड्रॉ कंटेम्प्ट। ये सर जो मेल आपने भेजा है हाँ सर इसमें आप हाई कोर्ट जज को सीजीएम लिख रहे हैं, व्हाट नहीं इज ऑल दिस? सीजीएम अभिषेक नागराज भी उसमें है और जो ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के जजेस का नाम भी है सर। जो मैंने जुडिशियल करप्शन देखा है उसी को तो मैंने उल्लेख करा उसमें। ठीक है, आपको मतलब ये मेल आपका भेजा हुआ है, देन एक्सेप्ट हाँ नोटिस ऑफ कंटेम्प्ट। सर अगर इसमें नॉट गोइंग फॉर आ जाए तो ठीक है सर, अगर नॉट गोइंग फॉर यहाँ से जारी हो जाता है तो वो भी ठीक है क्यों ऐसा नहीं सर। होता कि आप चाहेंगे कि हमारे केस इस जज के सामने लगे या उस जज के सामने, या आपकी इच्छा भी नहीं, जो हाई कोर्ट जहां लगाएगा वहां वहां बहस करनी पड़ेगी तो आपको? सर फिर नॉट गोइंग फॉर फिर अपन पटिशनर या फिर एडवोकेट का फिर उसमें क्यों क्लॉज लिखा आता है नॉट गोइंग फॉर बाय वो एडवोकेट हमारा इंटरनल रीजन है, इट इज नथिंग टू डू विथ यू, सर आप देख वो लीजिए। हमारा है। वो जज अगर बोले कि ये केस हमको नहीं सुनना तो वो तो उसमें लिखा था कि नॉट गो बिफोर, हाँ तो यू कैनॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट।
सर मैंने कई बार देखा नॉट बिफोर तो एडवोकेट्स की इसलिए आपको दफ्तर बोला गया था कि वकील लगाइए, क्योंकि आपको हाईकोर्ट का प्रोसीजर नहीं पता है, इसलिए आपको जज साहब ने सलाह दी थी कि आप वकील लगाइए। तो तो सर मैंने तो ये सारे सब जो अननेसरी जो मेल भेज रहे हैं ना आप, दिस इज कंटेम्पचुअस। सर कंटेंप्चुअस तो सर मैंने तो सारी गतिविधियां लिखी है, कितना चलिए ठीक लंबा है, मैं जुडिशियल एक्सेप्ट करप्शन देख रहा हूँ देन, मैं एक्सेप्ट नोटिस इफ यू आर स्टिल प्रेसिंग योर ईमेल। तो सर एक काम करिए आप फिर पिटीशन पे डिसमिस कर दीजिए, फिर वो मेल का आप जो भी होगा फिर उसके बाद फिर जैसी भी वो फिर खत्म हो जाएगा, फिर आपके ऊपर है सर। हम तो सर एक लीगल रिक्वायरमेंट के लिए आए हैं सर, एक आप पिटीशनर मेरिट पे को बहस करिए, ये सब मेल क्यों भेजते हैं? तो तो सर मैं मेरिट पे हमेशा बहस ही करता हूँ मैं तो सारे के सारे सर 250-300 पन्ने तो मैंने तो लगा के रखे हैं, 23 जज साइटेशंस मैंने लगाए हैं सर, सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट्स के सारे, मैं तो मेरे मेरिट पास पे ये चढ़ मैटर रहा हूँ। पहली बार आया है, इसके पहले मेरे यहाँ कभी नहीं लगाई। नहीं सर 4 बार लग चुका है, नहीं एक तो फरवरी 5 अप्रैल 10 मई मेरे को तारीख तक याद है, सब चीज़ मैंने लिखा है सर। ऑर्डर शीट में देख के बता दीजिए, बता हाँ उसमें दिन को आपके यहाँ दिखा लगा दीजिए हुआ ऑर्डर कितनी बार हमारे यहाँ लगा है। 4 बार लग चुका है सर आपके यहाँ, और फिर मई के बाद समर वेकेशन के बाद पीसी गुप्ता सर के यहाँ लगा, और फिर उसके बाद फिर वापस आपके पास आ गई, 4 बार आपके लग चुका है, मेरे को तारीख भी याद आप है मेल अपनी प्रेस कर रहे हैं तो देन आई विल इशू नोटिस, अदरवाइज सर। एक मेरिट पे बहस करिए। मैं तो मेरिट पे बहस करना चाहता हूँ ना सर, तो वो पहले आप लाइक उसको मैं स्टेटमेंट दीजिए कि यू वांट टू विड्रॉ, दे देता हूँ, मैं मेल को विड्रॉ कर रहा हूँ लिखना सबमिट दैट ही सेंड अ मेल दे व्हिच ही प्रेस फॉर विड्रॉल एंड आर्ग्यू ऑन मेरिट। हाँ सर। सर 2 MCRC है, 21745, 21746 आप लोग सब पार्टी रिप्रेजेंटेड हैं? यस सर। सबसे पहले MCRC 21745 सर, 2 करोड़ का लैंड मतलब फ्रॉड है, उसकी FIR दर्ज की गई थी माधवनगर थाने में, और केवल धारा लगाई गई ओनली 420, जबकि 5 कूटरचित दस्तावेज के आधार पे क्राइम हुआ था। वो 5 कूटरचित दस्तावेज ये हैं, फर्जी नामांतरण आवेदन पत्र, फर्जी शपथ पत्र, फर्जी अनापत्ति शपथ पत्र, फर्जी क्षतिपूर्ति लेख और नकली वसीयतनामा। तो इन 5 कूटरचित दस्तावेज के आधार पर भी 467, 468, 471 की धारा नहीं लगाई गई, और फिर 2 करोड़ की सर फ्रॉड पर ट्रायल कोर्ट से इमीडिएटली बेल भी दे दी गई हमने, जबकि बेल पे आपत्ति दर्ज की थी। फिर हम ट्रायल कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, वहां पे हमने फिर बेल कैंसिलेशन और साथ में फिर धारा बढ़ाना और महिला को भी सह आरोपी बनाना, 2 करोड़ के फ्रॉड में महिला भी उसमें समान रूप से भागीदार है, महिला तक को आरोपी नहीं बनाएंगे। तो सर इसी रिक्वायरमेंट के साथ हमने ये MCRC 482 के अंदर फाइल करी है। तो सर 482 में सर ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस, रिमूवल एडिशन ऑफ चार्जेस अलॉन्ग विथ बेल क्लेंसेशन, वो सब परमिसिबल है। तो सर यही हमारी वैधानिक रिक्वायरमेंट है सर। ये कंप्लेंट कैसे किया, FIR? सर FIR है सर, कहाँ डायरेक्ट है FIR लॉन्च FIR? की पेज गई। पेज 1 मिनट सर, 36/2023 दे फाइल्ड अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ चार्जशीट की कॉपी पेश की, पेज 16 ऑफ दे। हमको डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं किया, डॉक्यूमेंट हमको कोई अप्लाई नहीं किया, हमको केवल चार्जशीट विल आर्यू फ्रॉम पिटीशन का नोटिस हुआ। सर चार्जशीट के लिए सर रिकॉर्ड्स के लिए कॉलिंग हुआ था पिछले साल ही सत्यन कुमार सर के, सत्यन सिंह सर के समय, और मेरे सामने ही ये पुलिस थाने से रिकॉर्ड्स हाई कोर्ट में आए थे, फिर वो रिकॉर्ड्स मिस हो गए तो मैंने फिर दोबारा चार्जशीट को प्रस्तुत किया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ जून के महीने में, 30 जून को। डायरी आई इसमें? यस सर, ठीक, सर 30 ये जून FIR क्राइम नंबर 526 की है। यस सर यस सर, पढ़िए इसको, FIR पढ़िए। सर पूरा पढ़ना पड़ेगा हाँ सब हाँ कंप्लीट हाँ हाँ उसी से तो पता लगेगा आपकी शिकायत क्या है। सर। मैं माधव थाना पर उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ, आवेदक पी सुगंधी द्वारा दिए गए शिकायत आवेदन क्रमांक 17/21 मार्च 2019 की जांच थाना माधव द्वारा की गई है। दौराने जांच आवेदक व अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया, वह आवेदक व अनावेदक के कथन लिए गए जिसके आधार पर पाया गया कि आवेदक पी सुगंधी के चाचा स्वर्गीय टोटरमल का स्वर्गवास दिनांक 7 अक्टूबर 2002 को हो गया था। उनके स्वर्गवास के बाद उनके स्वामित्व का महाचंदानगर स्थित प्लॉट नंबर 255 जो उन्होंने वर्ष 1990 में खरीदा था, उक्त तो प्लॉट को उनके छोटे भाई शैलेन्द्र सुगंधी ने वर्ष 2006 में स्वर्गीय टोटरमल सुगंधी की वसीयत के आधार पर उनके नाम करा लिया।
जिसके दस्तावेज उक्त प्लाट से संबंधित आवेदक पीयूष सुगंधी ने उद्यान विकास प्राधिकरण से सूचना के अधिकार तहत प्राप्त किए जा किए जिससे ज्ञात हुआ कि पीयूष के चाचा शैलेन्द्र सुगंधी ने स्वर्गीय गौतम सुगंधी के स्वामित्व का प्लाट वसीयत के नाम पर नामांतरण न करवाते हुए फर्जी शपथ पत्र एवं झूठी जानकारी देकर स्वयं शैलेन्द्र सुगंधी के नाम करा लिए। शैलेन्द्र सुगंधी द्वारा उनके स्वर्गीय भाई टोडोरा सुगंधी के महाश्वेता नगर स्थित प्लॉट को उनके नाम कराने के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण को शपथ पत्र के माध्यम से मिथ्या जानकारी दी गई। दिनांक 12 अगस्त 2020 को अनावेदक शैलेन्द्र सुगंधी के भाई सुभाष सुगंधी पिता सत्यनारायण सुगंधी उम्र 78 वर्ष ने आईजी बंगले के पास सत्यविला देवास और उज्जैन के द्वारा थाना आकर विवादित दस्तावेज वसियतनामा पृष्ठ क्रमांक 1 से 3 दिनांक 2 जनवरी 2002 को जारी हुआ। स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी का जिसमें वसियत करता स्वर्गीय टोडरमल व वसियत ज्ञाता शैलेन्द्र सुगंधी है जिसमें स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी के कुल 4 विवादित हस्ताक्षर हैं तथा नोटरी किया हुआ है जिस पर 2 गवाह अरुण जैन व अमित जिंदल हैं जिनके हस्ताक्षर है को पेश करने पर पंचानों के समक्ष विधिवत जब्त किया गया है तथा दिनांक 11 जून 2019 को उज्जैन विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी से दस्तावेज जब्त किए गए। दौरानी जांच के जब्त शुदा विवादित वसियतनामा के विवादित हस्ताक्षर की जाँच QD भोपाल से करवाई गई है जिसमें ओपिनियन पत्र क्रमांक CID QD CX 377/2020 दिनांक 13 अक्टूबर 2020 के माध्यम से बताया गया है कि शिकायत संख्या 77/19 थाना माधवनगर जिला उज्जैन के दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक और गहनता से जांच की गई है। विवादित दस्तावेजों पर मौजूद हस्ताक्षर नमूना एवं स्वाभाविक हस्ताक्षर नमूना में भिन्नता है लेकिन साथ ही यह भी लेख है कि हस्ताक्षर के दोनों सेट में 10 से अधिक वर्षों का समय अंतराल है और समय अंतराल के कारण से हस्ताक्षर नमूना भिन्नता होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः QD रिपोर्ट के आधार पर वसीयत के फर्जी होने या असल होने की युक्तियुक्त पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आवेदक पीयूष सुगंधी द्वारा ASK फॉरेंसिक कंसल्टिंग इंदौर के श्री राजेंद्र गौर से निजी तौर पर दस्तावेजों की जाँच करवाई गई जिसमें विवादित दस्तावेज एवं प्रश्नगत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर अलग अलग व्यक्तियों का होना लेख किया है जबकि अनावेदक द्वारा भी योग्यता दस्तावेज परीक्षण केंद्र से निजी तौर पर दस्तावेजों की जांच करवाई गई जिसमें विवादित एवं प्रश्नगत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर में समानता दिखना लेख किया है। अतः विवादित दस्तावेज वसीयत के संबंध में उसके असल या कूट रचित होने के संबंध में युक्ति रूप से निर्णय नहीं लिया सकता है। संपूर्ण जाँच में अनावेदक शैलेन्द्र सुगंधी द्वारा उसके भाई स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी को वर्ष 1990 में महाश्वेता नगर स्थित प्लाट क्रमांक HIG 255 आवंटित प्लाट का नामांतरण उज्जैन विकास प्राधिकरण को उसके मृतक भाई एवं स्वर्गीय टोटमल सुगंधी के परिजन के समस्त सदस्यों की जानकारी छिपाकर एवं शपथ पत्र के माध्यम से मिथ्या जानकारी देकर मिथ्या शपथ पत्र एवं मिथ्या क्षतिपूर्ति लेख इंडेमनिटी बॉन्ड देकर नामांकन कराया गया। यह कि वसीयत असल है या कूट रची इसके संबंध में स्पष्ट अहमत प्राप्त नहीं है नहीं हो सका ना ही नामांतरण प्रक्रिया में विवादित वसीयत का कोई उपयोग किया है। UDA से प्राप्त जानकारी के आधार पर नामांतरण मृतक भय सोटमल सुगंधी के परिजन के समस्त सदस्यों की जानकारी छिपाकर एवं असत्य जानकारी देकर एवं झूठा शपथ पत्र मिथ्या क्षतिपूर्ति लेख इंडेमनिटी बॉन्ड दिया गया अपराध पंजीबद्ध करने हेतु उचित अभिमत प्राप्त किया। आवेदन की अभी तक की जांच पर से एवं श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के आदेश पर संपूर्ण जांच से आरोपी शैलेंद्र पिता सत्यनारायण सुगंधी निवासी रामकृष्ण कॉलोनी देवास और उज्जैन के विरुद्ध अपराध धारा 420 भाग 2 का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध का विवेचना में लिया जाता है। आवेदन पत्र मजमून हस्व जेल है प्रति थाना प्रभारी माधव नगर उज्जैन मध्य प्रदेश विषय स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी की महाश्वेता नगर स्थित प्लाट क्रमांक HIG 255/3100 square feet UW कार्य से लगा हुआ वो तो भाई शैलेन्द्र सुगंधी एवं उनकी पत्नी मिताली सुगंधी द्वारा धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा फ्रॉड से हड़पने एवं 420 व अन्य आर्थिक आपराधिक धाराओं के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई हेतु उपरोक्त विषयांतर्गत IG कार्यालय देवास रोड स्थित सुगंधी गैरेज के सदस्य स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी को वर्ष 1990 में महाश्वेता नगर स्थित प्लाट क्रमांक HIG 255/3100 square feet EOW कार्यालय से लगा हुआ प्राधिकरण से आवंटित हुआ था। दिनांक 7 अक्टूबर 2002 को स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी का 50 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था। स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी अविवाहित थे यानी ना कोई इनकी पत्नी ना कोई संतान। सुगंधी गैरेज की स्थापना स्वर्गीय सत्यनारायण सुगंधी ने की थी। उनके 6 पुत्र क्रमशः सुभाष सुगंधी प्रकाश सुगंधी राजेंद्र सुगंधी स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी शैलेन्द्र सुगंधी योगेंद्र सुगंधी हैं। स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी के अलावा उपरोक्त 5 भाई आज भी जीवित हैं एवं सभी भाई वर्तमान में एक ही सुगंधी गैरेज स्थित स्थायी निवास में रहते हैं। चूंकि स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी अवैध थे इस कारण से उपरोक्त उल्लेखित प्लाट पर 5 जीवित भाइयों का समान अधिकार है परंतु वर्ष 2005 में शैलेन्द्र सुगंधी ने झूठी जानकारी जिसे स्वयं को स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी का एकमात्र सगा भाई बताना
एवं अन्य चार जीवित सगे भाइयों की जानकारी छिपाना, फर्जी शपथ पत्र, फर्जी दस्तावेज, फर्जी वसतनामा एवं स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी के मरणोपरांत फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से उपरोक्त प्लाट धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा एवं फ्रॉड की मानसिकता से स्वयं के नाम पर करवा दे। उक्त घटनाक्रम से संबंधित समस्त दस्तावेज सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राधिकरण के से प्राप्त करके आवेदन साथ संलग्न है। अतः आपसे विनम्र विनती है कि उपरोक्त अत्यधिक गंभीर आपराधिक घटना को ध्यान में रखकर चैलेंज सुगंधी एवं उनकी पत्नी मिताली सुगंधी को कठोर आर्थिक आपराधिक धाराएं जैसे 420, 406, 467, 468, 471 आदि के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें और साथ ही उपरोक्त उल्लेखित भूमिका न्यायोचित निराकरण करने की कृपा करें। दिनांक 20 मार्च 2019, प्रार्थी नाम पीयूष सुगंधी, पिता राजेंद्र सुगंधी, पता आईजी कार्यालय के निकट 50/3 सत्यला सुगंधी के देवास रोड उज्जैन। तो सर फॉल्स एफिडेविट्स अगर वसीयतनामे, सर एक और चीज, एक लॉजिकल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आज तक कभी भी इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये वसीयतनामा तो ऐसे ही कुटरचित सिद्ध हो गया, हमको हस्ताक्षर की जरूरत ही नहीं। एक तरफ वो अपने आप को इकलौता सगाई बता रहे हैं फर्जी शपथ पत्र के माध्यम से, दूसरी तरफ वसीयतनामा ही बता दिया। ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं कि इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता पड़ी। अगर कोई माता पिता की इकलौती संतान कोई है, सिविल सूट भी चल रहा है इसमें? नहीं सर, तो जो म्यूटेशन हुआ है, जो नाम इनका चढ़ा, उसके खिलाफ कोई अपील की है? नहीं सर, नहीं की। क्यों? नहीं सर, हम लोगों को बस किसी एक भी हाँ वारिस ने नहीं की? किसी सर, भी वारिस जिसके नाम आप ले रहे हैं, उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं किया? केवल नहीं किया सर। आप ही को आपत्ति है बस? हाँ सर, उनको जानकारी भी नहीं थी, और जब तो मेरे हो गई जो, होगी जानकारी, इतना सब आपने हाँ तो वो पेपर में सब उनके साथ छपाया मिले सब हुए ना सर, अब सब इकट्ठे हो मिले गए। हुए? हाँ अच्छा सर, तभी तो मैंने अकेले ने एफआईआर कराई है सर। अच्छा और बाकी मेरे ये बाकी और लोग कौन है? सुभाष, शैलेंद्र, योगेंद्र, सर, ये भी इनके भाई है, सगे भाई हैं। और इनको सर क्या मिला इसमें? इनको सर, अब मैं आपको बताऊँ, ये इन्होंने ही मिल करके मेरे पे जानलेवा हमला किया ताकि इसके ऊपर एफआईआर ना हो। ये सब मिले हुए इनके साथ ही, तभी तो जानलेवा हमला भी हो चुका है मेरे पर, इसी एफआईआर को रोकने के लिए, आजीवन कारावास के एफआईआर को रोकने के लिए जानलेवा हमला करने कारण सर ये 307 क्लॉज 2 वाला मामला बन गया, डेथ पनिशमेंट वाला 307। तो सर ये वाला मैटर है सर, सब लोग मिल गए ना, तभी तो मेरे पे जानलेवा हमला भी हो चुका है। इसलिए सर दोनों हमने एनसीआरसी को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि आवेदक भी एक है, अपराधी भी एक है, और थाना भी एक है। ठीक। सर हम बस ये तो ये चाहते जो हैं, टोडरमल, ये आपके चाचा जी थे, तो हाँ स्वर्गीय चाचा दोनों का उनके कोई बच्चे और नहीं शादी नहीं की है, थी उन्होंने? नहीं और दोनों ही चाचा, ये शैलेंद्र आपका भाई है? नहीं उनका भाई है, इनका मृतक मृतक जो ये चाचा, चाचा है ये उनके भाई चाचा है, इनका इनके वो भी चाचा आपके चाचा ही हुए हाँ मतलब? वही मेरे चाचा ही हुए। ये भी टोडरमल के भाई के लड़के हैं, हाँ राजेंद्र के लड़के। हाँ समझ गया। ठीक है, वो भाई हैं इनके, 64 साल के। तो सर चार कागज के आधार पे इनके टोटल बन के कुल कितने भाई हैं? पांच भाई है सर, और पांचों जीवित एक ही घर में रहते हैं सर। तो अच्छा, इन्होंने विल 56 नंबर पेज है सर, सर वसीयतनामा नकली होने के नाते मैंने कुल मिला के 19 कारणों वाला भी एक दस्तावेज संलग्न किया है सर, ये रजिस्टर्ड है, नोटराइज नोटराइज है नोटराइज सर। नोटराइज सर। और बोथ द सर विटनेसेस एंड द नोटरी दे हैव बीन एग्जामिन्ड, है ट्रायल? बोथ द विटनेसेस टू द नोटरी क्या क्या स्टेज है ट्रायल? क्या क्या स्टेज है सर, अभी? अभी तो 4 दिन लगे। सर चार्ज के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था ट्रायल कोर्ट में, तो वहां भी निरस्त हो गया था। फिर हम सेशन कोर्ट में गए थे, बेल ये कैंसिलेशन और चार सौ चार्ज लग गए होंगे ना? सर, हमने एप्लीकेशन दी थी पर वो वहां पे उसको स्वीकार नहीं किया, निरस्त हो गया। फिर हम सेशन कोर्ट में गए अगेंस्ट सेम कि हमको चार्ज भी लगाना इम्प्लॉयमेंट है। ऑर्डर, इम्प्लॉयमेंट ऑर्डर का पेज नंबर, इंटरनल पेज नंबर 15, इंटरनल पेज नंबर 4, फर्स्ट पैराग्राफ देखो। अभी हाँ क्लियर चार्ज विच इज नहीं है, देयर फाइल एन एप्लीकेशन देयर कि कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए, प्रोसिक्यूशन से बुलाया जाए एज ए ये तो अभी कंप्लेन। इसमें लिखा आरोप तर्क हेतु, तो अभी आरोप लगेगा सर पर वहां पे हमने एप्लीकेशन दे दी थी, उसको भी हमने लगा के रखा है ना सर। इसलिए कोर्ट आपको कह रहा था कि आप वकील लगाइए, आपको प्रोसीजर ही नहीं समझ में आता है कि क्या सर होता फॉर कोर्ट। फोर आपने एट एलएलबी की है, सर 482 में इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिक्योरिंग एंड ऑफ जस्टिस में किसी जो प्रकार लिखित मजिस्ट्रेट का लिमिटेशन काम है वो नहीं है हाईकोर्ट करे यहाँ चार्ज लगाने का। सर। 482 में तो प्रावधान है सर, इनहेरेंट पावर्स ऑफ और चलो सिक्योरिंग एंड ऑफ जस्टिस, और सर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें 482 में ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस एज वेल एज कैंसिलेशन ऑफ पहले बेल चार्ज लगाने तो दीजिए, आप ये सब बहस पहले वहां करिए। सर यहाँ पे सर ऑलरेडी है मेरे पास यू हैव ये वेस्टेड सुप्रीम इनफ कोर्ट। टाइम ऑफ नहीं दिस सर, कोर्ट। सर ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर, 2 साल सर मेरा इज टाइम वेस्ट हो रिस्पॉन्सिबल, गया हु सर। इज रिस्पॉन्सिबल? सर सुप्रीम कोर्ट का वी जजमेंट हैव ये नॉट है कॉल्ड यू। ना, ना सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि
ब्रीफ फैक्ट्स, फैक्चुअल मैट्रिक्स और मेरिट्स के को कंसिडर किए बिना ऑर्डर अपन ना जारी करें तो ठीक है सर, ये है मेरे पास, मैं आपको देना चाहता हूँ दे सर। दीजिए लाइक चलिए पेज नंबर 2, तो पैरा नंबर 10, तो हाँ सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही है, तो फैक्चुअल मैट्रिक्स, ब्रीफ फैक्ट्स और मेरिट्स को तो कंसिडर करना पड़ेगा सर, जो भी केस जिस भी कोर्ट में प्रेजेंट होता है ठीक है और कुछ कहना सर। ये और साथ में कैंसलेशन ऑफ बेल और महिला को भी आरोपी बनाना, और सर अगर वापस वहां जाएंगे तो फिर वो मेरे को ट्रायल कोर्ट के जज ने ये बोला था, क्योंकि आपका मामला सेशन कोर्ट तक से निरस्त हो चुका है तो आप हमारे पास नहीं आ सकते, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब वहां पे हमें जा ही नहीं सकता, वो हमेशा के लिए डोर्स क्लोज हो चुके हैं वहां पे फॉर एवर, इसलिए फिर हम हाई कोर्ट 482 में। चलिए क्या कहना भाई तो पहली बात तो चार्ज लगा नहीं, दैट इज एविडेंट। सेकंड, दे आर सेइंग फॉर बिल कैंसिलेशन, देयर इज नो एप्लीकेशन फॉर बिल कैंसिलेशन। वो 392 के लिए तो हमने कहा था ऑर्डर में कि अगर आपको आपत्ति है बेल जो ग्रांट के लिए, व्हेन मूविंग फॉर 392, दैट आल्सो दैट हैज नॉट बीन मूव्ड, एंड दे हैव कम, मतलब जो बेल के एप्लीकेशन थी उसमें आपत्ति जो लगाई थी उसकी रिविजन करी है, और उस रिविजन के आधार पर यहाँ पर वन डाल। यू आर अपीयरिंग इन 18 यस, 1 2 1 7 4 5, 7 4 5 आप 4 7 में 7 4 7, ये 7 4 7 लगाइए 307 ऐड करने के लिए हाँ 307 क्लॉज 2, 326 उसमें भी चार्ज नहीं लगेगी सब ना उसमें तो हो चुके हैं, वहां पे भी चार्ज, वहां पे अभियोजन के द्वारा 2 बार ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट में चार्ज को बढ़ाने का एप्लीकेशन दिया गया और दोनों बार निरस्त हो गया, और उसी के आधार पर हम यहाँ हैं। उसमें भी सर हमने बेल कैंसिलेशन अलॉन्ग विथ 307 ये क्लॉज वाला था। हो गया 2 1 7 4 5 इसको क्लोज करेंगे ऑप्शन इसमें बताइए इसको कौन सर, सा ऑर्डर चैलेंज किया है सर इसमें ना 325 तक की धारा लगाई गई थी, फिर 2 बार ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट में अभियोजन के द्वारा 307 और 326 की धारा बढ़ाने का आवेदन दिया गया, और पूरा मेरिट्स के ऊपर ही सर। मैं उसमें मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा आ रहा है हार्ड ब्लंट एंड हार्ड वेपन जो कि डेडली है, और सेशन कोर्ट ने ब्लंट एंड हार्ड वेपन को पूरा मेडिकल एविडेंस को पूरा दरकिनार कर दिया, और अपने मन से हॉलो पाइप, मतलब जैसा लगता है जैसे मेरे को प्लास्टिक के पाइप से मारा गया, जबकि फ्रैक्चर आ चुका था मेरे को। अब प्लास्टिक के मटेरियल से कोई फ्रैक्चर थोड़ी आता है, तो सर वहां पे पूरा मेरिट्स को, मेडिकल एविडेंस तक को पूरा टोटली इग्नोर किया गया, और मेडिकल एविडेंस, ब्लंट एंड हार्ड वेपन का जो उसमें उल्लेख है उसी के आधार पर ये अभियोजन ने 2 बार ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट में धारा बढ़ाने का आवेदन दिया, टोटली है सर ऑन द मेरिट्स ओनली। सर पे लोहे के डंडे से वार किया गया, मैं अपना हाथ बीच में लिया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, अगर हाथ नहीं लाता तो सर फ्रैक्चर हो जाता, तो मैं वहीं ऑन द स्पॉट में खत्म हो जाता। तो सर हमने एसपी ऑफिस में भी दिया 300 की धारा बढ़ाने के लिए, वहां से भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, और सर इसके सपोर्ट में मैंने 23 जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के, वो सब मैंने अटैच किए। और सर मेरे ही जैसे मामले में सन 2019 में जब जस्टिस वीरेन सिंह सर थे उन्होंने 300 की धारा बढ़ा दी थी, सेम मामला मेरा भी है। तो सर मैं भी चाहता हूँ कि जब इंदौर हाईकोर्ट में वीरेन सिंह सर के द्वारा सेम मेरे मामले 300 की धारा बढ़ाई गई थी, तो आज वही 300 धारा मेरे मैटर में बढ़ जाए, और ये 307 क्लॉज 2 का मामला बन गया डेथ पनिशमेंट, क्योंकि आजीवन कारावास की जो लैंड फ्रॉड की एफआईआर है उसको रोकने के लिए मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। यस क्या कहना चाहें सर लॉर्डशिप, जो इंपीम ऑर्डर है उसका पैराग्राफ 10 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो रिविजन कोर्ट टू फाइंड पैराटेन इस प्रकरण में जो तथ्य और परिस्थिति आई है उनसे स्पष्ट है कि चार अभियुक्त ने फरियादी के साथ घटना के समय स्थान दिनांक को मारपीट की, उस समय फरियादी अकेला था। फरियादी के अनुसार जब योगेंद्र ने उस पर सिर पर रॉड से मारा तो उसने अपने दाहिने हाथ से रोका, फिर सभी ने उसको मां बहन की गालियां दी और उसके साथ मारपीट करने लगे। अतः स्वयं फरियादी के अनुसार कथित रॉड के प्रहार के बाद उसके साथ मारपीट की गई, किंतु योगेंद्र सुगेंद्र ने न तो दोबारा उस रॉड से प्रहार किया, न अन्य किसी अभियुक्त ने उसे गंभीर उपाधिकारित करने का या किसी घातक आयुध से उपाधिकारित करने का प्रयास किया, जबकि उनके पास पर्याप्त अवसर समय था। सभी अकेले थे, यदि किसी को जान से मारना होता रॉड से एक मारी तो 5-7 भी मार सकते थे। और इस ये सारी एविडेंस को अप्रिशिएट करते हुए ट्रायल कोर्ट ने भी एप्लीकेशन खारिज की और रिविजन कोर्ट ने भी खारिज की है, तो मेरा माननीय से विनती है कि ये जो 482 में रेयर एंड रेयर केस में पावर, इनहेरेंट पावर का उपयोग होना चाहिए, ऐसी फाइंडिंग में उपयोग नहीं किया जा सकता। केवल परिवार के संपत्ति का कोई विवाद है और उनको ये प्रेशराइज करना चाहता है केवल लॉर्डशिप।
सर मैंने सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट हो सिंह गया बहस, लेट हिम कंप्लीट। सर और इस पे इसके बाद दिखाएं लॉर्डशिप, उपाधि कारित करने किसी हद तक आयु से उपाधि कारित करने का प्रयास किया जबकि उनके पास पर्याप्त समय और अवसर था। उपरोक्त तथ्यों प्रकाश के तथ्य के प्रकाश में इस प्रकरण पर यह निष्कर्ष प्रथम दृष्टया निकाला जाना उचित प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण का आशय फरियादी की हत्या करना है, उसे प्राणघातक उपाधि कारित करना था या अभियोजन द्वारा संकलित साक्ष्य प्रकट नहीं होता है। और लॉर्डशिप इस प्रकार से धारा 307 का जो ये इजाफा चाहते थे उसमें, उसके लिए पेट ट्रायल कोर्ट ने भी रिजेक्ट की और रिविजन कोर्ट ने भी रिजेक्ट की। तो इन परिस्थितियों में जब ये खुद ही कह रहे हैं कि एक से ज्यादा उन्होंने मारा ही नहीं है, तो फिर इंटेंशन कहाँ से मारने का होगा लॉर्डशिप? वो चार लोग थे और ये अकेले थे लॉर्डशिप, इससे भी इनका केस मैनिपुलेटेड लगता है लॉर्डशिप। और ये जो फ्रैक्चर की स्थिति है लॉर्डशिप, ये एविडेंस से एस्टेब्लिश होगा लॉर्डशिप कि उंगली, और वो भी उंगली में लॉर्डशिप। और चाहे इस प्रकार लॉर्डशिप पैराग्राफ 12 में भी इसको डिटेल से डिस्कशन किया लॉर्डशिप। और चूंकि ट्रायल कोर्ट ने कितने 216 की अर्जी शासन की खारिज करी है, रिविजन उनकी खारिज की है, तो ऐसी स्थिति में इनको ये 482 को पावर एक्सरसाइज कराने का, ये एप्लीकेशन देने का अधिकार नहीं लॉर्डशिप मेंटेनेबल नहीं। रेयर एंड रेयरेस्ट केस में जहां ग्रॉस इनजस्टिस हुआ लॉर्डशिप, रिकॉर्ड के विपरीत कोई काम हुआ हो लॉर्डशिप, वाइटल आर्गन पे इंजुरी नहीं है लॉर्डशिप, वो पारिवारिक मामला है, चार चार लोग हैं, वो सब चाचा हैं इनके लॉर्डशिप, तो ये सारी परिस्थिति केवल केवल उनको ह्रास करना चाहता है लॉर्डशिप, अपनी ठीक। इच्छा के अनुसार संपत्ति प्राप्त क्या करने के कहना लिए आपका? दबाव बनाने। क्या आप एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 216 हैज बीन फाइल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन मतलब व्हिच इज एनेक्स P3 P3 यस मतलब On the ground that the injury is caused by the hard implant of the with the steel rod, although the injury was sustained on the fracture was sustained on the head hand models, कलाई की हड्डी पर फ्रैक्चर हो गया। You are supporting him. Yes, Manoj. That application was further taken up to revisional court, Manoj, which was dismissed on 13/4/22. Against that dismissal, Manoj, we have not preferred any. You have not preferred. सर आपकी सुप्रीम एफआईआर है आपके पास? हाँ ये है ना पढ़ी है सर जरा उसमें क्या आपके आरोप है? पेज 22 पे लगाई आपने, हाँ बिल्कुल पढ़िए। है नहीं हाँ है ना पढ़िए पढ़िए। सब फरियादी ने थाना हाजिर आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि मैं सत्यविलास देवास रोड पर रहता हूँ। उक्त भवन में मेरे परिवार के साथ मेरे चाचा शैलेन्द्र सुगंधी, योगेन्द्र सुगंधी और ताऊ सुभाष सुगंधी और प्रकाश सुगंधी परिवार निवास करता है। दिनांक 9 फरवरी 2020 को दोपहर 2:30 बजे अपने घर पर नीचे था। इस पर मेरे चाचा योगेन्द्र सुगंधी, सुभाष, शैलेन, अमरनाथ घर से बाहर निकला और मुझे गाली देने लगे और बोले कि घर पर पुलिस को बुलाता है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। इस पर मेरे चाचा योगेन्द्र सुगंधी लोहे का रॉड डंडे जैसा घर से निकाल कर लाया और मुझे सिर पर मारने लगा, जिससे मैंने अपने दाहिने हाथ पर रोक लिया, जिससे मुझे दाहिने हाथ की कलाई में चोट लगी। सभी ने मुझे मामे की अश्लील गालियाँ दी और मेरे साथ मारपीट करने लगे। सभी ने मुझे धमकी दी कि हमारे मामले में बोलेगा तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। मैंने पूर्व में शैलेन सुगंधी और सुभाष सुगंधी को पिताजी की जीवन भरी कमाई की संपत्ति के संबंध में धोखाधड़ी की शिकायत की है, जिस कारण ये लोग मुझसे व मेरे परिवार संदेह सकते हैं। रिपोर्ट करता हूँ, कार्रवाई की जाए। सर आपका कहना है कि भविष्य में वो जान से खत्म कर रही है, उस समय जान से मारने की नियत से नहीं मारा, जान से मारने की तभी तो मेरा वाइटल आर्गन पे तुम्हारा हेड ऐसे वाइटल लिखा आर्गन नहीं आपने एफआईआर सर, में। वो मैंने पुलिस को बोला भी था कि जान से मारने की मंशा, तो उन्होंने नहीं लिखा। और ये आवश्यक नहीं है कि हर बार एफआईआर में पुलिस के द्वारा ये उसका उल्लेख किया जाए। घटना से लॉजिकली प्रूव हो रहा है सर पे वार किया था और सर सबसे वाइटल ऑर्गन होता है पूरे बॉडी का, और मैंने उसको अपने हाथ से रोक लिया। और अगर मेरे हाथ पे नहीं आता तो मैं सर पे चोट हो जाती और आज आपके सामने मैं खड़ा भी नहीं होता। सर सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से सिंगल ब्लो मर्डर, सिंगल ब्लो में तो मर जाता है इंसान, लाखों लोग तो मर चुके हैं। एक हथौड़ा मार रहा मर गया। अब ये कौन सा कि अपन गिनती करें 1 2 3 4, अरे अभी तक मारा नहीं है सर। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है और इलॉजिकली सर। और सबसे बड़ी बात सर, मेडिकल एविडेंस को कोई कोई भी दरकिनार कैसे कर सकते, जबकि हार्ड एंड ब्लंट वेपन का उल्लेख हो। ब्लंट एंड हार्ड इसे डेडली वेपन,
डेडली वेपन से मेरे पे वार हुआ, वो भी पुलिस के सामने। ठीक है, इतना पुलिस साहस है सर कि पुलिस के सामने मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है। कांस्टेबल के बयान में, हाँ, कांस्टेबल के बयान, मतलब सब चार्जशीट क्या सब नाम है लोग। उसका कांस्टेबल का? राजेंद्र नाम है कांस्टेबल, राजेंद्र, सरनेम याद इसकी नहीं आ रहा। डायरी दे देना, इसकी भी डायरी दे देना। ठीक है, विल कंसीडर नेक्स्ट। थैंक यू।